हेलो माय व्यूअर्स, तो आज मैं शेयर कर रही हूँ बेसन का क्रिस्पी टेस्टी चिल्ला रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप बेसन, जिसको हम छन्नी की मदद से छान लेंगे ताकि उसमें कोई लम्स ना रह जाए। तो अच्छी तरीके से हम छान लेंगे। बेसन को हमने छान लिया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो सबसे पहले 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट, 2 लेमन का जूस, 1/2 कप कर्ड या फिर छाछ, हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर यानी कि हरा धनिया। अभी सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद पूरा 1 ग्लास पानी ऐड करेंगे, पर एक साथ नहीं, धीरे धीरे करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे पूरा 1 ग्लास पानी, और उसके ऊपर थोड़ा 1 घूंट जितना भी जाएगा। तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सब कुछ। ये जो चिल्ला की रेसिपी है वो काफ़ी बेसिक है, और काफ़ी बेसिक इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं, और लेमन मैंने इसलिए यूज़ किया है ताकि लेमन की वजह से हमारा जो चिल्ला है वो थोड़ा सा क्रिस्पी होगा, और बैटर भी इसका हम पतला बनाएंगे ताकि क्रिस्पी हो हमारा चिल्ला। ब्रेकफास्ट के लिए या फिर शाम की टी कॉफ़ी के लिए ये रेसिपी बेस्ट है। प्लीज़ आप ट्राई करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, आपने सजेशन दीजिएगा। श्योरली आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट्स। हमारा बैटर काफ़ी पतला बनेगा, मैं आपको कंसिस्टेंसी बाद में दिखा दूँगी। यह है हमारी कंसिस्टेंसी, आप देख सकते हैं कि ये पतला है। तो अब हम चिल्ला बनाना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए मैंने एक नॉनस्टिक पैन लिया है, उसमें ऑलरेडी मैंने थोड़ा ऑयल गरम कर लिया है चारों तरफ से फैला के। अब इसमें हम बैटर ऐड करेंगे, इस तरह से हल्के हाथ से राउंड शेप में हम इसको ऐड करते जाएंगे। अब वापस से थोड़ा सा ऑयल कॉर्नर्स पे, एक साइड से तकरीबन 2 मिनट के लिए पकने देंगे, जब तक ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। उसके बाद हम इसको उलट देंगे और दूसरी तरफ भी गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पकाएंगे, मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो एक तरफ से हमारा चिल्ला हो चुका है और अच्छा सा ब्राउन कलर भी आ चुका है। दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा ऑयल ऐड करके वापस से पकाएंगे ब्राउन होने तक। चिल्ला हमारा अभी रेडी है। इसी तरह से हम और चिल्ला भी बना लेंगे और चाय या कॉफ़ी के साथ सर्व करेंगे। भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। And thanks for watching. Love ya.